हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ शिमला में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा और इसके इतिहास के बारे में भी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे ये ट्रेन शुरू की थी 1903 में। लेकिन हमारी रेलवे जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, उनकी कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है, नई नई टेक्नोलॉजी तो आती है लेकिन कुछ चीज़ें म्यूज़ियम में संभाल के रख दी जाती है। मैं आपको विज़िट कराने जा रही हूँ यहाँ का रेल म्यूज़ियम, जो कि है शिमला में ओल्ड बस स्टैंड के नीचे, जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम और काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, आइए आपको इससे रूबरू करवाते हैं और कालका शिमला रेलवे ट्रैक के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है अंदर जाने का और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरत एंट्री को और ये है इसका गेट। तो चलिए, आइए चले। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि इसकी एंट्री कितनी रोमांचक है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप इंजन से उतर रहे हैं। अगर इसकी कहते हैं ना ट्रेलर ही इतना अच्छा है तो पिक्चर कैसी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की पिक्चर देखने के लिए। एंट्री के बाद आप देख सकते हैं कि आप साइड पे अगर आप देखोगे राइट में तो रेलवे ट्रैक बना हुआ है, रेलवे लाइंस बची हुई है और बिल्कुल सामने इतनी अच्छे से सजावट की हुई है। दोनों मोर है दोनों तरफ पे और प्लांट्स से सजाया हुआ है, झूले भी दिए हुए हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। ये टिकट मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज़ की है और पर पर्सन यहाँ पे जो फेयर है वो है सिर्फ 30 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं शिमला और अगर आप रेल फैन हैं तो प्लीज़ डू विज़िट दिस म्यूज़ियम, यू विल फील अमेज्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एंट्री शुरू होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल मैनेजर की कैप, ये देख सकते हैं कोट हैट एंड अम्ब्रेला स्टैंड, कोट अभी मिसिंग है। जहाँ पे वो अनवॉश्ड क्लोथ्स को रखते थे, ये वो बॉक्सेस हैं। टर्न टेबल, हेरिटेज स्ट्रक्चर, ये हमारी मोटर कार का है, रेल मोटर कार का आप देख सकते हैं टर्न टेबल। इससे मतलब आपने अगर इसका टर्न करना है, इसको घुमाना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। लैम्प शेड विथ फैंसी ब्रास स्टैंड, ये देखिए ये ड्रेसिंग टेबल मिरर जिसमें आपको मैं देख रही होंगी, अगेन मिरर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैश बॉक्सेस, ये दो कैश बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे और ये कलेक्ट किए गए थे टकसाल स्टेशन और धर्मपुर स्टेशन से। वाओ फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं सबसे लंबी सुरंग जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ बड़ोग के स्टेशन से निकलती हुई ये टनल, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर फॉर टनल रिपेयर। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है तो ये मिरर की हेल्प से ही यहाँ पे जो है मुरम्मत का काम जो है वो किया गया था। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो 1903 से लेकर 1968 में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था वो इसी रिफ्लेक्शन मिरर की वजह से ही हेल्प से ही दिन में भी जो है अपनी रिपेयर इस टनल की कंटिन्यू रखते थे। और ये रहा देखिए वो रिफ्लेक्शन मिरर फॉर टनल रिपेयर। देन आप ये देख सकते हैं लैंप, ये है आपके पास वेइंग मशीन, ये इंग्लैंड की है 1895 की। और ये देख सकते हैं आप टाइम बेल, ये बेल मेटल से बनी हुई है। ये घंटी कर्मचारियों को सावधान करने हेतु बजाई जाती थी कि कब उनकी पारी आरंभ या समाप्त हो रही है। उस समय बिजली के हूटर तो हुआ नहीं करते थे, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आजकल तो बिजली के हूटरों का ही प्रयोग किया जाता है। सामने आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के रेल टायर्स को, पुराने ज़मानों की आप देख सकते हैं पेंटिंग्स और पुराने ज़मानों की क्लॉक्स। ये छोटी सी मोटर कार का एक रेप्लिका इन्होंने बनाया हुआ है, नक्शा कह लो कि पहले ऐसे एक तैयार किया गया था उसके बाद फाइनल बनाया गया।
आप सामने देखेंगे तो सारी आपको ये जो है हेडलाइट्स दिख रही होंगी, ये पुरानी कैसे कैसे यूज़ हुआ करती थी और किन किन लाइक क्या क्या प्लेट्स और बर्तन वो लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है मैकेनिकल जैक स्क्रू या फिर मैकेनिकल डफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रेलगाड़ी में। यहाँ से डीजल में कोयला डाला जाता था, अगर आपने गदर मूवी देखी है। ये कोल बॉक्स है, ठीक है, ये रोड और ये स्पेस, ये वो आपने गदर मूवी भी देखी होगी, उसमें सनी देओल यूज़ करता है कोल डालने के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कोल कहाँ डालते थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है रेल चेंज हैंड लेवर, मतलब इसी की हेल्प से जो है रेलवे लाइन को दूसरी लाइन पे डाला जाता है, चेंज की जाती है इसकी लाइन। और ये तो आपको पता ही है फायर एक्सटिंग्विशर। और ये छोटा सा मॉडल आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन का, बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया। आई होप आपने ये सारा सामान देख लिया होगा म्यूज़ियम में रखा हुआ, बहुत ही अच्छा। और ये हमारी मतलब रेल को यादगार बनाए रखता है, कैसी कैसी चीज़ें हमने यूज़ की हैं। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पसंद आया होगा। और स्पेशली ये जो रिफ्लेक्शन मिरर बड़ो टनल को रिपेयर करने के लिए यूज़ हुआ था, जो आप बेंचेस देख रहे हैं ये भी पुराने ज़माने के ही हैं जो यूज़ किए गए थे। इसको तो मैं ढूंढ ही रही थी, रेल लाइन चेंज लिवर, ये लाइन बदलने के लिए यूज़ करता है, काफ़ी हैवी वेट होता है इसका। एंड साइड पे आप देख सकते हैं डी रेल लॉकिंग अरेंजमेंट, तो आप देख सकते हैं जस्ट रेल म्यूज़ियम के बाहर ही आपको ये तीन रेल डिब्बे देखने को मिलेंगे पुराने से, आप पुराना इतिहास देख सकते हैं। और काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है, कार पार्किंग में और ट्रेन पार्किंग इकट्ठी हुई हुई है, मतलब इट्स सच अ डिफरेंट थिंग, कभी देखा ही नहीं ट्रेन और कार इकट्ठी आपको एक जगह पार्किंग में देखने को मिले। आई होप आपको मेरे साथ ये रेल म्यूज़ियम प्लस ये रेल डिब्बे पुराने पसंद आए होंगे। इस इतिहास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये म्यूज़ियम आपने देखा मेरे पीछे, और सामने ये लाइन जा रही है स्ट्रेट शिमला के स्टेशन तक, अगर आप जाना चाहते हैं तो। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट व्लॉग तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहें।